हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आलोक शुक्ला, परीक्षा प्लस में आपका स्वागत है। अभी तक 3 वीडियो हो चुके हैं जिसमें आप शुरू से ए और बी का कॉन्सेप्ट देखें, फिर 3 आते हैं ए बी सी आते हैं, फिर एक ऐसा मॉड्यूल आया जिसमें कोई कार्य छोड़ के जा रहा होता है, बाद में जा रहा होता है, पहले जा रहा होता है कार्य ख़त्म होने के, या जा भी रहा होता है आ भी रहा होता है, दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। तो इन पूरे मॉड्यूल पर लगभग हमने जितने क्वेश्चन देखे ये एक कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड कर दिया है। लगभग आपको अब एटलीस्ट इतना पता चल गया है कि आखिर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आएगा। कार्य और समय पे आधारित अगर प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आते हैं एग्जाम हॉल में, तो अब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं होनी है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम अब आज कुछ ऐसी टॉपिक पे करेंगे जो थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएगा, कुछ और नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को देखेंगे, आखिर कैसे वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, या एग्ज़ाम में कैसे पूछे जाते हैं या कैसे पूछे जाएंगे, इन सारी पॉसिबिलिटी को हम बहुत आराम से देखेंगे। तो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी आता रहेगा, मैं खुद भी बोलता रहूँगा, बस आपको समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। जो बच्चे नए आए हैं चैनल पर, वो सबसे पहले की वीडियो देख लें, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि अभी बीच से आप देखना शुरू कर दोगे तो 5-10 मिनट तो ऐसा लगेगा कि एकदम नहीं समझ में आएगा। हाँ, थोड़ी देर रुकेंगे तो समझ में आने लग जाएगा, लेकिन फिर भी आप पहला दूसरा तीसरा वीडियो अगर आप देख लेंगे तो ये जो आपकी क्लास है ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो हम शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 40 दिन में कर ले रहा है। सपोज करिए ए 40 दिन में कार्य कर, अब पूरा आपको समझाएंगे नहीं, बस थोड़ा जल्दी जल्दी में करेंगे। बी किसी काम को 50 दिन में कर रहा है, समझ में पूरा आएगा, बस ये है बहुत ज़्यादा उसका स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करेंगे। ए किसी कार्य को 40 दिन में कर रहा है, बी 50 दिन में कर रहा है, ये 3 नहीं है 5 लिखा है, ध्यान दीजिएगा, है ना, 50 दिन में कर रहा है। अब कंडीशन आपके सामने ये रख रहा है, कह रहा है कि अभी ए और बी अल्टरनेटिवली वर्क कर रहे हैं। किसी कार्य को, क्वेश्चन का सेंटेंस क्या होगा, किसी कार्य को ए अकेले 40 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 50 दिन में कर सकता है। यदि दोनों बारी बारी से कार्य करें तो कुल कार्य कितने समय में समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशंस को हम अल्टरनेटिव कंडीशंस बोलते हैं, जिसमें एक साथ वर्क नहीं करते हैं, अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट होता है ये, है ना, अल्टरनेटिवली वर्क करते हैं। अगर एक करेगा तो दूसरा नहीं करेगा। इससे पहले के क्वेश्चन में क्या देखते थे, ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 50 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, या ए बी सी देता था 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में, तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। तो अभी क्या है, ये अल्टरनेटिवली करेंगे। अगर ए करेगा तो बी नहीं करेगा, बी करेगा तो ए नहीं करेगा। तो बस यही क्वेश्चन है कि किसी कार्य को ए 40 दिन में कर सकता है अकेले, बी अकेले 50 दिन में कर सकता है, यदि कार्य बारी बारी से करें तो कितने दिन में होगा। तो देखिए अभी भी फिर से मैं बोल रहा हूँ, इतना काम तो आपका जरूरी है। 40 और 50 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 200, यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 4। अब इतना काम पहले भी करते थे, यहाँ भी वही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से क्या चेंज है उसे समझिएगा। बोल रहा कार्य बारी बारी से करते हैं, तो सबसे पहले मान लीजिए ए आता है कार्य करने, फिर कौन आएगा, बी आएगा, और फिर कौन आएगा, इसके बाद फिर ए आएगा, इसके बाद फिर बी आएगा, और ये सिलसिला चलता चला जाएगा जब तक कार्य खत्म नहीं हो जाएगा। तो समझिएगा, ये भी समझना है, अकेले ए कर रहा है, बी नहीं कर रहा है, तो अगर पहले दिन ए कार्य करे तो कितना कार्य करेगा भाई, उसकी कार्य क्षमता पाँच है, तो पहले दिन 5 कार्य खत्म होगा, बस ए चला गया। अब अगर ए चला गया तो बी आया, बी आया तो बी अपनी कार्य क्षमता के बराबर काम करेगा, बी की कार्य क्षमता क्या है, 4 है, अगर कार्य क्षमता 4 है तो कार्य बी कितना करेगा, 4। तो ये पहले दिन का है, ये दूसरे दिन का है, ये तीसरे दिन का है, ये चौथे दिन का है, ऐसे चलता चलेगा। 2 दिन हो गए हैं, 9 कार्य खत्म हो गया, समझिएगा, फिर तीसरे दिन में कौन आएगा, फिर से ए आएगा, कितना काम करेगा, 5 कार्य, समझ में आ रहा है। फिर कौन आएगा, बी आएगा, कितना कार्य करेगा, 4 करेगा। पांचवें दिन फिर कौन आएगा, ए करेगा। छठवें दिन कौन आएगा, फिर बी करेगा। लेकिन हम ऐसे कब तक चले जाएंगे, ऐसे तो ना हमारे पास स्पेस बचेगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि कार्य तो 200 है, 9, 9 × 18, 9 × 27 कब तक जोड़ेंगे। तो इसके लिए हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, देखेंगे, हम ये देखेंगे कि आखिर कितने टाइम बाद रिपीटेशन हो रहा है, कितने दिन बाद रिपीटेशन हो रहा है। आप अगर इसे गौर से देखो तो 2 दिन बाद ए बी, फिर 2 दिन बाद ए बी, फिर अगले 2 दिन बाद ए बी, यहाँ पे मैं कर ले रहा हूँ, फिर अगले 2 दिन बाद ए बी। तो हर 2 दिन में अगर देखा जाए तो ए बी ए बी ए बी ए बी यही चलता आएगा, बस यही पे क्लू छुपा है।
अगर हम दो दिन की बात करें पहले दिन और दूसरे दिन में, तो कुल कार्य कितना खत्म हो रहा है? 9। ऐसे ही अगला दो दिन बीतेगा तो कितने कार्य खत्म होंगे? 9। ऐसे ही अगला दो दिन खत्म होगा तो कितने कार्य होंगे? 9। ऐसे बोल सकते हैं 2 × 3 = 6, 3 × 6 = 6। तो बस हम क्या करेंगे, किसी ऐसे नंबर से गुणा करेंगे कि इसके पास चले जाए। देखिए अगर आपको साफ साफ दिख जा रहा है कि किससे गुणा कर दें कि उसके पास चले जाए, तो टू गुड है। नहीं समझ में आता है तो आप क्या करो, इसी को 200 को 9 से डिवाइड करो, है ना, ऐसे कर लो और अच्छा रहेगा। ऐसे कर सकते हो, कितनी बच जाएगा, 9 × 2 = 18, 2 शेष बचेगा, 20, फिर 9 × 2 = 18, 2 शेष बच जाएगा। यहां से बात पता चल गई कि किससे गुणा किया जाए कि आप उसके पास चले जाओ। मतलब अगर मैं इधर 22 से गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा, 198। 198 कार्य हो जाएगा। और अगर इधर 22 से गुणा किए हैं तो हमें इधर भी 22 से गुणा करना पड़ेगा, यानी हम कह सकते हैं कि 44 दिन में 198 कार्य खत्म हो गया। कार्य कितना शेष है वो कहां से पता चलेगा, यहां से पता चलेगा। वैसे भी कार्य था 200, 198 कार्य हो गया है, तो कार्य कितना बचा है, 2। 2 कार्य बचा है। अब आएगा कौन अगले दिन, अगले दिन साइकिल में पहले कौन आ रहा था, ए आ रहा था, तो ए आएगा, लेकिन ए की कार्य क्षमता 5 है। तो बस यहीं पे उत्तर है, 44 दिन तो ये सीधे सीधे लग जाएंगे 198 कार्य करने में, और 2 कार्य को ए करेगा तो कितना समय ले लेगा, 2/5, यानी कि 44 सही 2/5 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ये अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि लोग बारी बारी से कार्य करते हैं, एक साथ कार्य नहीं करते हैं, और अगर बारी बारी से कार्य करेंगे तो हमें केवल भाषा पे ध्यान देना होता है कि आखिर कौन कार्य कर रहा है। दूसरा बात पे ध्यान देना होता है कि साइकिल कितने की चलेगी। देखिए अभी जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। एक क्वेश्चन करते हैं, आपके स्क्रीन पे भी है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। ABC किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा और अंतिम बारी किसकी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 2 लोग हैं और अभी जो क्वेश्चन है इसमें कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। इसे भी जल्दी से समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं इसमें देते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो भी बताइए, नहीं आ रहा है तो भी बताइए। जब आप कुछ बताएंगे तभी हम जानेंगे कि आखिर आप कहां तक पहुंचे हैं, उस हिसाब से आपके सामने वीडियोस आती रहेंगी। तो ये कह रहा है कि ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है। और सी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। अकेले, अगर अकेले ए काम करे तो 20 दिन लेता है, बी अकेले काम करे तो 25 दिन लेता है, सी अकेले काम करे तो 30 दिन लेता है। कंडीशन ये बोल रहा है कि तीनों साथ में कार्य नहीं करेंगे, बारी बारी से करेंगे। तो ठीक है भाई, अगर आप बारी बारी से करना चाहते हो तो बारी बारी से कर लो, हमें क्या दिक्कत है। हम तो सीधा इसका एलसीएम लेंगे, 20, 25, 30 का एलसीएम। 30 का पारा पढ़ना शुरू कर दे, 30 × 30 दुना 60, ये नहीं करेगा, 90 ये नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, 4 × 120 ये कर जाएगा, ये कर जाएगा, ये नहीं करेगा, 5 × 150 पे कर जाएंगे, सभी कर जाएंगे, 150 नहीं करेगा, 20 कहाँ कट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो फिर सीधा 300 हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक, अगर 300 एलसीएम हो गया तो कितनी बार जाएगा, ये 15 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। क्लियर, यानी कि इसकी कार्यक्षमता 15, इसकी कार्यक्षमता 12, इसकी कार्यक्षमता क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। बात क्लियर है? ठीक, अब अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। कार्य क्या हो रहा है, बारी बारी से हो रहा है, तो सबसे पहले कार्य करने कौन आएगा, ए आएगा, कितना कार्य करेगा, 15। फिर कौन आएगा, बी आएगा, कितना कार्य करेगा, 12। फिर कौन आएगा, सी आएगा, कितना कार्य करेगा, 10 करेगा। इसके बाद फिर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, और फिर ए बी सी, ऐसे चलता रहेगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि 3 दिन में, ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, 3 दिन में कितना कार्य हो गया, 3 दिन में 15, 12, 27, 10, 37 कार्य कितना किया जाना है, 300। तो हम किससे गुणा कर दें कि उसके पास चले जाए, उसके लिए आप 37 को 300 से डिवाइड कर दो, है ना। कितनी बार ले जाओ, 8 बार ले जाओ, 8 × 56 = 6, 5 × 5 8 × 3 = 24, 24 × 5 = 29, 296। क्लियर है बात। तो यहाँ पे शेष कितना बच जाएगा, 4। यानी अगर हम यहाँ पे 8 से गुणा कर दें तो कितना कार्य हो जाएगा, 296। तो हमें इधर भी 8 से करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा,
24 दिन, यानी कि 24 दिन में आपका 296 कार्य तो हो गया, 296 कार्य हो गया। अब कार्य कितना बचा है? 4। तो वो 4 कार्य करने कौन आएगा? ए आएगा। तो यानी कि 24 दिन आपका सीधा सीधा ये प्लस जो 4 कार्य बचा है उसे करेगा ए, उसकी कार्य क्षमता है 15। तो 24 सही 4/15 आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे ही क्वेश्चन लगते हैं अल्टरनेट डेज के, बहुत ज्यादा कुछ अलग होता नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें क्या क्या कंडीशन दे सकता है। क्वेश्चन आपके सामने है, ए किसी काम को मैं रफ करता रहता हूँ और मिटाता भी रहूंगा, साथ में क्वेश्चन भी पढ़ता रहूंगा। आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है तो आप उसे पढ़ते रहिए। ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे ए उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर में मदद करे। अभी कंडीशन बस इतना कर दिया है, समझिएगा। ए 20 दिन में कर ले रहा है कार्य को, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में। इतना काम तो हम करेंगे ही, इसका एलसीएम आएगा 60, ये 3, ये 4 और ये 5। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि ए कितने दिन में कार्य खत्म कर लेगा यदि उसे एक दिन बी और एक दिन सी मदद करे। यही कह रहा है, कितने दिन में समाप्त कर लेगा यदि उसे एक दिन बी और एक दिन सी मदद करे। तो देखिए ए तो रोज कार्य करेगा, ए रोज कार्य करेगा, लेकिन उसे एक दिन कौन मदद करेगा? बी। और फिर एक दिन कौन मदद करेगा? सी। फिर बी आएगा मदद करने, फिर सी, फिर बी, फिर सी। समझ में आ रहा है? मतलब कि साइकिल कितने की चल रही है, ये देखिए 2 दिन की, पहले दिन ये, दूसरे दिन ये। तो आप 2 दिन में कार्य निकाल लो। पहले दिन में कार्य कितना होगा? ए प्लस बी का 7 कार्य होगा। और दूसरे दिन कितना कार्य होगा? ए प्लस सी का 3 + 5 8 कार्य होगा। यानी कि 2 दिन में आप कह सकते हो कि 15 कार्य हो जाएगा। अब 15 से में किससे गुणा कर दिया जाए कि 60 हो जाए, तो बस 4 से इधर कर दिया 60, तो इधर भी 4 से कर दिया जाए तो 8। यानी कि 8 दिन में आपका क्या हो जाएगा? 60 कार्य पूरा हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो आसान है, बस आपको भाषा पकड़ लेना है, ये समझ जाना है कि आखिर साइकिल किस हिसाब से चल रही है। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी एक काम को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा कर सकेगा? कंडीशन थोड़ी सी अलग है, ये भी मैं कर ले रहा हूं। बी 30 दिन में कर रहा है और सी 60 दिन में कर रहा है, ये 20 30 60। अगर ये बदल गया तो ये भी बदल जाएगा, एलसीएम तो 60 ही रहेगा, तो ये 3 रह जाएगा, ये 2 रह जाएगा, ये 1 रह जाएगा, बाकी सारी चीजें बदलने वाली हैं, इसे मैं हटा देता हूं। क्या कह रहा है क्वेश्चन के, अगर लैंग्वेज को समझ गए होंगे आप तो बहुत अच्छा है, नहीं समझे तो मैं समझा दे रहा हूं। कह रहा है कि कितने दिन में कार्य समाप्त कर लेगा ए यदि हर तीसरे दिन बी और सी की मदद ले ले। मतलब पहले दिन भी ए कार्य करेगा, दूसरे दिन भी ए कार्य करेगा और तीसरे दिन बी और सी दोनों का मदद ले लेगा। मतलब तीनों कार्य करेंगे, फिर यही चलेगा, पहले दिन ए, फिर ए और फिर ए प्लस बी प्लस सी। बात समझ में आ गई आपको? तो देखिए साइकिल कितने की चल रही है? 3 की। एक दिन ये, दूसरा दिन ये और तीसरा दिन ये। तो आप बोल सकते हो पहले दिन में कितना कार्य होगा? 3। दूसरे दिन में कितना कार्य होगा? 3। और तीसरे दिन में 3 × 2 = 5 = 6। बात क्लियर है? यानी 3 दिन में कितना कार्य? 6 × 6 = 12। तो हम 12 में किससे गुणा कर दें कि 60 पहुंच जाए? 5, 60 कार्य करना है तो इधर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 15 दिन में 60 कार्य पूरा हो गए। क्लियर है बात? यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो बस आपको ऐसे प्रश्न में ये समझ जाना है कि साइकिल कितने की चल रही है। अगर आप ये कंक्लूजन निकाल लिए, आप भाषा को पकड़ लिए, तो वो कुछ भी कराए आपसे, वो कुछ भी कराए, कितना भी उसमें कंडीशन दे दे, वो कंडीशन ऐसा दे सकता है। आप कंडीशन पे थोड़ा बात कर लेते हैं, क्या क्या दे सकता है इसी क्वेश्चन पे। भाई जैसे इसने दिया पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन कर रहा है, तीसरे दिन तीनों कर रहा है। मैं कह रहा हूं पहले दिन ए बी की मदद ले रहा है, दूसरे दिन ए सी की मदद ले रहा है, तीसरे दिन बी सी की मदद ले रहा है, फिर ऐसे ए बी की मदद ले रहा है, फिर ऐसे ए सी की मदद ले रहा है, फिर ऐसे बी सी की मदद ले रहा है, ऐसे कार्य हो रहा है, वो ऐसा सेंटेंस डाल रहा है। तो फिर साइकिल कितने की चल रही है? भाई देखो यहां से रिपीटिशन चालू है कि नहीं, ये सीरीज ये सीरीज सेम है कि नहीं, सेम है। तो बस कार्य निकाल लो, ए प्लस बी कार्य करेंगे तो कितना? 5। ए प्लस सी करेंगे तो कितना? 4।
बी प्लस सी करेंगे तो कितना, तीन, यानी तीन दिन में कितना कार्य खत्म हो जाएगा, पांच चार नौ तीन बारह, साथ साथ में बोलते रहो, साथ साथ में करते रहो तभी मजा आएगा। तीन दिन में कितना, बारह, कार्य कितना किया जाना है, साठ, तो इधर भी पांच से गुणा कर दो, इधर भी पांच से गुणा कर दो, पंद्रह दिन में कितना कार्य हो जाएगा, साठ। समझ में आ गया, वो कंडीशन कुछ भी कर दे, वो बोले कि बी कार्य शुरू करता है, कौन बी कार्य शुरू करता है और एक दिन ए की मदद लेता है और अगले दिन सी की मदद लेता है, तो भाई बी शुरू कर रहा है तो एक दिन ए की मदद लिया, दूसरे दिन सी की मदद लिया, फिर अगले दिन ए की मदद लिया, फिर अगले दिन सी की मदद लिया, ऐसे चलेगा। कितनी की साइकिल चल रही है बताओ भाई, दो की साइकिल चल रही है, तो दो दिन में कितना कार्य होगा, बी प्लस ए करेंगे तो कितना, पांच, बी प्लस सी करेंगे तो कितना, तीन, यानी आठ कार्य हो जाएगा, तो दो दिन में आठ कार्य, कार्य कितना ज्ञान है, साठ, तो हम उसके करीब जाएंगे, किससे गुणा कर दे, उसके करीब चले जाए, सात से गुणा कर दिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, छप्पन, यहाँ भी सात से गुणा कर दिए, कितना आ जाएगा, चौदह, यानी चौदह दिन में छप्पन कार्य तो हो गए, चौदह दिन में छप्पन कार्य हो गए, कार्य कितना बचा, चार, करने कौन आएगा, बी प्लस ए, जिनकी कार्य क्षमता क्या है, पांच, तो आप सीधा बोलोगे चौदह दिन तो सीधा सीधा ये लगेगा, प्लस जो वो चार कार्य होना है वो पांच की एफिशिएंसी से चार बटे टाइम और लगेगा, यानी सीधा उत्तर आ जाएगा चौदह सही चार बटे। तो वो कंडीशन कुछ भी करे, आपको पहला काम इतना कर लेना है जो आप सीखते आए हो, दूसरा काम आपको साइकिल समझ में आनी है कि कितने की साइकिल चल रही है और उस साइकिल में कितना वर्क होगा, उस हिसाब से हम ये कैलकुलेशन करते चले आएंगे। बात क्लियर है, सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए। तो अल्टरनेट डेज पे वो आपसे कैसे भी क्वेश्चन रख सकता है, यही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो आपसे केवल भाषा से खेलेगा, जितनी पकड़ आपकी क्वेश्चन में होगी। एक्चुअली होता क्या है कि हम कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो जाता है, ठीक ठाक हम प्रैक्टिस भी कहते हैं, लेकिन एक आदत जो होती है हमारी, क्वेश्चन को ढंग से ना पढ़ना। कई बार होता है एग्जामिनेशन हॉल में, पहली बात तो टेम्परामेंट हमारा थोड़ा अलग होता है भाई, अगर यहाँ पे नॉर्मल बीपी है तो एग्जाम हॉल में ऐसा लगता है कि बीपी ही हाई चली गई है, बहुत सारे बच्चों को एकदम सब पता नहीं क्या माहौल रहता है ना, तो इनके कारण क्या होता है, कई बार बच्चे जो होते हैं वो पेपर में क्वेश्चन को कम्प्लीटली पढ़ते नहीं है। ऐसे कई बार होता है बच्चे बोलते हैं अरे सर उसमें रेडियस पूछा था मैं डायमीटर निकल आया, उसमें वो डायमीटर पूछा था मैं रेडियस निकाल के चला आया, या इसी में समय पूछ लेता है कि कुल कितने समय में होगा और आप क्या वही से समय निकालते हो, उसी को टिक मार के चले जाते हो। ये छोटी छोटी गलतियाँ ही क्या करती हैं कि आपको अपनी सफलता से दूर कर देती हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए, इस ये कैसे दूर होंगी, दूर तभी होंगी जब आप उन पे बहुत साउंड प्रैक्टिस कर लोगे, क्वेश्चन के पढ़ने की आदत डालोगे। देखिए एक तो तरीका होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाओ, प्रैक्टिस करो अच्छा है, मॉक भी ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, टेस्ट सीरीज वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा आप अटेम्प्ट किया करो, वो बहुत ही अच्छा तरीका होता है अपनी ये छोटी मोटी गलतियों को दूर करने में। क्योंकि जो गलतियाँ आपको रियल एग्जाम में करनी है ना, उससे पहले 10 बार गलती कर लोगे तो समझ में आ जाएगा आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो, और फिर आपका एग्जाम हॉल में वो परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। तो टेस्ट सीरीज तो बहुत अच्छा रोल प्ले करती ही करती है। फिर अगर हम और इस कंडीशन के बारे में बात करें तो क्या बन सकता है, वो कुछ भी बना सकता है। देखिए अभी तक हालांकि किसी भी एग्जाम के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि टाइम एंड वर्क में यहाँ पे चार दे दे कॉन्सेप्ट, लेकिन अभी मैं यहाँ पे बोल दूं कि यहाँ पे एक और हो जो 12 दिन में करते हो, तो अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत टफ हो गया, ये अभी भी आसान है। अब इन चारों को पकड़ के एलसीएम ले लो, इन चारों को पकड़ के एलसीएम ले लो तो 12 ही आया है, 60 में आता है एलसीएम, तो 60 ही होगा, यहाँ पे एक और आ जाएगा। अब वो ये बोले कि कंडीशन देखिए, वो भाषा कैसे बदलेगा, वो बोलेगा कि ए बी के साथ कार्य करना नहीं पसंद करता, ठीक, ए बी के साथ कार्य करना नहीं पसंद करता। फिर क्या बोलेगा कि ए सी के साथ भी कार्य करना नहीं पसंद करता है, ठीक। फिर वो बोलेगा कि सी केवल डी के साथ कार्य करना पसंद करता है। अब ये तीन लाइन वो अननेसेसरी लिख दिया, बोल दिया कि ए केवल ए बी के साथ कार्य करना नहीं पसंद करता, ए सी के साथ कार्य करना नहीं पसंद करता, और सी केवल डी के साथ कार्य करना पसंद करता है। फिर वो कंडीशन लगाएगा, यदि एक दिन में कोई दो लोग मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, यदि कार्य बारी बारी से हो तो, या ऐसा बोल दे कोई दो युग्म समान दिन में कार्य नहीं करेंगे, मतलब अगर आज C प्लस डी कर रहे हैं तो अगले दिन भी C प्लस डी नहीं करेंगे, कोई और करेगा। तो बस ये अननेसेसरी उसकी लैंग्वेज बढ़ा दिया है, कुछ उसमें है नहीं। अब आपका काम है कि भाषा पे अपना ध्यान केंद्र कर लो, पेशेंस बनाओ, पैनिक मत हो, एकदम अपने टेम्परामेंट को कूल रखो, बहुत ही एकदम कूल होकर क्वेश्चन को पढ़ो, समझो,
थोड़ा सा समय दो, 2 या 3 सेकंड एक बार में लग जाएगा। और उससे कहीं अच्छा है कि एग्जाम में आप क्वेश्चन नया ना लगे, इसलिए आप घर पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना तो खुद से ये सब सेट कर लिया करो, या फिर 4 या 5 का कर लिया करो, या फिर ई को भी ले आओ, अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाओ, मजा आएगा उसमें। मैथ्स का मजा पढ़ने में तभी आएगा जब आप अपने आप से कुछ करोगे। तो इसी इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि हर क्लास के एंड में एक क्वेश्चन आपको दूंगा जिसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है, उस क्वेश्चन को आपको खुद करना होगा, कमेंट बॉक्स में आपको उसका उत्तर देना होगा। जिनसे नहीं लगेगा वो बोलेंगे तो हम अगली क्लास में उसका उत्तर बता देंगे। अगर सबसे लग जाता है, हमें लगता है कि जरूरी नहीं है बताना, तो कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं भी बताएंगे, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी ऐसे क्वेश्चन हो वो बता दिया जाए। तो आपके सामने वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से आप देखिए, स्क्रीन पे क्वेश्चन है आपके, और उसे स्क्रीनशॉट लेके या जैसे भी करके उसे सॉल्व करिए और कमेंट में उत्तर दीजिए। धन्यवाद।